विदेशों में तो डंका बज रहा है विश्व गुरु का, इंडिया में क्या हो रहा है? भाजपा सरकार ने हमें लॉलीपॉप देने का काम किया। मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने सबका साथ तो लिया लेकिन विकास सिर्फ दो चार लोगों का किया जो उनके मित्र थे। बीजेपी सरकार ने इतना घिनौना काम किया है, जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है मणिपुर में। आप हरियाणा की पहलवान बेटियों को देख लीजिएगा, उधर आप महंगाई को देख लीजिएगा। जिस समय सिलेंडर 400 रुपए का होता था उस समय हमारी स्मृति ईरानी जी उस समय वो कहती सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, ये महंगाई बंद करो। अब जब सिलेंडर 1100 का हो गया अब स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती हैं? इतनी महंगाई कर दी, महिलाओं को अपना रसोई घर चलाना मुश्किल है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर से, और यहाँ पे किस तरह से महंगाई को लेकर और महिला आरक्षण लागू करो आज करो आज करो उसको लेकर, और जिस तरह से महंगाई डायन खाए जाते हैं इस तरह की पोस्टर लेकर यहाँ पे ये महिलाएं आकर आंदोलन कर रही हैं। अच्छे दिन महंगे दिन ये भी ये लिखा गया है, और तमाम मुद्दों पर यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे महिलाएं आकर जो अपने हक और अधिकार की मांग कर रही हैं। आइए मैं इनसे सीधी बात करने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों की मांग क्या है। मैं यहाँ पे एक महिला है जिनको ये क्या मांग है आप लोग का, ये आप लोग पोस्टर लिए हैं और महिला आरक्षण पर जुमलेबाजी बंद करो बंद करो, क्या कहेंगी आप? महिला आरक्षण मांग रहे 33% महंगाई को कम करो, महिलाओं को आरक्षण दो, रसोई इतनी महंगी हो रही है उसको कम किया जाए। आप ये लिए है महंगाई डायन खाए जाते, क्या इस पर कहेंगी, कहाँ महंगाई है बताइए? तो ये तमाम मुद्दों पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महिलाएं हैं जो बात कर रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पर महिला आरक्षण के लिए एकत्रित हुए हैं, और अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेट से बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 9.5 साल बिता दिए अपने और महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 93 में बोला था महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिला आरक्षण क्यों जरूरी है? महिला आरक्षण इसीलिए जरूरी है क्योंकि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं और पुरुषों के बराबरी होनी चाहिए उनकी, जहाँ हर चीज में बराबरी है, घर में बराबरी है, तो यहाँ पे भी बराबरी क्यों नहीं महिलाओं की? आरक्षण वो हक अधिकार की लड़ाई है कि काम करने की लड़ाई? ये हक की तो लड़ाई है ही सबसे पहले, लेकिन काम की करने की भी लड़ाई है। बहुत सारे आप बीजेपी में देख लीजिएगा कितने सारे विधायक सांसद हैं जो एक पहलवान महिला हमारी बेटियां थी जो उनके साथ शोषण किया और उनका एक सुनवाई भी नहीं की, एक केस दर्ज तक नहीं किया गया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए महिलाओं का आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण महिलाओं को किस बेस पे दिया जाएगा? उनको कटरीवाई दिया जाएगा SC ST OBC के द्वारा दिया जाएगा कि एक तरफा दिया जाएगा? उनको एक तरफा आरक्षण दिया जाएगा। जो सवर्ण महिलाएं हैं उनको भी और जो दलित महिलाएं हैं उनको भी एक समान अधिकार, एक समान है उसे हिस्सा दिया जाएगा उनको 33% आरक्षण में से OBC और ST का अलग से निकाला जाएगा और बाकी जो बचेंगे वो जनरल महिलाओं के लिए रहेगा। 33% में SC और OBC महिलाओं को अलग से निकाला जाएगा? हाँ, उनको अलग से निकाला जाएगा। 70% में? हाँ जी। 67 में कितने कौन सी महिलाएं रहेंगी? 67 में जो बाकी रह जाएंगे जो जर्नल हैं जो ठीक ठाक हैं कोई उनको दिक्कत नहीं है और उनके साथ पुरुष भी हैं अटैचमेंट में। जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं का आरक्षण देना चाहिए जिस तरह से पुरुषों की मांग हो रही है? जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हर एक चीज में महिला हर एक चीज में पुरुषों की बराबरी कर रही है तो एक राजनीति में भी महिलाओं को आरक्षण जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो देश का विकास होती। मांग आप लोग ये होनी चाहिए कि जिस कम्युनिटी से जितनी महिलाएं आती है उनको उतना आरक्षण दिया जाए। देखिए जितनी जो जिस कम्युनिटी से जितनी महिलाएं आती है SC ST में 3 से 4 कास्ट आ जाती हैं। यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है कि आरक्षण की मांग ही गलत है। नहीं, यहाँ आरक्षण की मांग गलत कहाँ है? देखिए जो 33% आरक्षण है उसमें SC ST हैं और OBC हैं उनका हिस्सा अलग रहेगा और टोटल 33%। जिनकी आबादी 90% है उनको मात्र 33% आरक्षण में आप सिमटाना चाहते हैं,
और उनकी आबादी 10% है, उनको 70% अब आरक्षण की मांग कर रही है। एक बात बताइएगा, बीजेपी सरकार तो उतना आरक्षण भी नहीं दे रही है, बीजेपी सरकार तो महिलाओं को कहीं निर्वस्त्र करके घुमा रही है, कहीं कुछ कर रही है महिलाओं के साथ, इतनी महंगाई कर दी, महिलाओं को अपना रसोई घर चलाना मुश्किल है। तो अब 1100 का सिलेंडर हो चुका है, जहां 400 रुपए का सिलेंडर होता था कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस की ये नीति थी कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। आरक्षण कौन देगा? मोदी सरकार, आप लोग मांग किस लिए कर रहे हैं? हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि 15 लाख महिला आप जिस आरक्षण से भागीदारी की मांग कर रही हैं उसमें कौन लोग हैं आज के डेट में? जिस आरक्षण से हम जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, और जिसमें विकलांग महिलाएं भी हैं, जनरल महिलाएं भी, SC ST महिलाएं भी, हर वर्ग की महिला उसमें शामिल है। ये महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई को लेकर देखें तो बीजेपी सरकार ने इतना घिनौना काम किया है, जिस तरीके से मोदी जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने सबका साथ तो लिया लेकिन विकास सिर्फ 2-4 लोगों का किया जो उनके मित्र थे, और बाकी रहा महिलाओं का, महिलाओं के प्रति इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार दिखाया मोदी जी ने। आप उधर देख लीजिएगा मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, आप लोग सब जानते हैं। आप हरियाणा की पहलवान बेटियों को देख लीजिएगा, उधर आप महंगाई को देख लीजिएगा। जिस समय सिलेंडर 400 रुपये का होता था उस समय हमारी स्मृति ईरानी जी, उस समय वो कहती थी 2-4 महिलाओं को साथ लेके घूमती थी कि भाई बहुत हुई महंगाई, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन वो कहते थे भाई सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, ये महंगाई बंद करो। अब जब सिलेंडर 1100 का हो गया, अब स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती हैं? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, उन्होंने ही ये नारा दिया था, ना कि कांग्रेस ने। कांग्रेस हमेशा बेटियों का सम्मान करती आई है, महिला पहलवान बेटियों को हमेशा महिला पहलवान बेटियों को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता था, उनकी सुनवाई होती थी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, और बीजेपी की सरकार में उनको हाथ पकड़ के घसीटा जा रहा, बाल पकड़ कर घसीटा जा रहा, रोड पे से घसीटा जा रहा, जब वो मेडल लेके आए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 3 गुना महंगाई होती। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलते, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि भाई सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने सबका साथ लिया सबका विकास नहीं किया, उन्होंने अडानी अंबानी जी का विकास किया, उन्होंने क्या है ये 15 लाख का कहा, 15 लाख रुपए हर महिला के हर पुरुष के खाते में आएंगे, किसके खाते में, आपके खाते में आए, नहीं आए ना। रही बात, उन्होंने पक्के मकानों की घोषणा की थी कि भाई मैं पक्के मकान दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आज आप ये बता दीजिएगा कि कितनी 2 करोड़ नौकरियां, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का बोला था, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां भी हमारे इंडिया में नहीं दी गई हैं। तो मोदी जी क्या साथ और क्या विकास की बात कर रहे हैं? मोदी जी ये विकास की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने जो किया है वो सबसे गलत किया है, चाहे वो महिला हो, मजदूर वर्ग हो, या वो मिडिल फैमिली हो, किसी भी कोई वर्ग मोदी जी से राजी नहीं है। लेकिन राष्ट्र के लिए तो उन्होंने काम किया है। क्या काम किया है? देश भी सुगुरु बन गया। कैसे देश भी सुगुरु बन गया बताइए, GDP तो बहुत ऊपर दिख रही है, लेकिन एक आम जनता में आप देख लीजिएगा कि एक 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, वो बेचारा 500 रुपए कमा के लेके आता है, उधर सारा का सारा वो गमा देता है अपने राशन पानी में, उसके पास बचा क्या है? GDP का मतलब होता है GDP बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, GDP अच्छी अच्छी बात है, GDP बढ़ेगी हमारे देश की, लेकिन विदेशों में तो डंका बज रहा है विश्व गुरु का। इंडिया में क्या हो रहा है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो SC ST OBC को अधिकार मिलेगा? बिल्कुल अधिकार मिलेगा, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है SC को भी अधिकार मिलेगा, ST को भी मिलेगा, और जो 33% हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं उसको भी लागू किया जाएगा। लेकिन आप जो आरक्षण की बात कर रही हैं इसको जाति जनगणना करा के जितनी भी महिलाओं की जनसंख्या है जिस कम्युनिटी में उस हिसाब से आप लोग आरक्षण की मांग कीजिए। तो टोटल 33% आरक्षण है ना, वो तो फिर हम बांटेंगे, SC का कितना, OBC का कितना है, जनरल का कितना, वो तो बट जाएगा ना सारा, यहाँ टोटल 33% का हमारा है, टोटल 33% आरक्षण की मांग। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जंतर मंतर पे ये महिलाएं आरक्षण को लेकर यहाँ पे मांग कर रही हैं, और यहाँ पे देश से कोने कोने से यहाँ पे आई हुई हैं, और तमाम देख सकते हैं यहाँ पे महंगाई को लेकर भी यहाँ पे किस तरह से जो चीजें चल रही हैं महंगाई को लेकर भी,
और यहाँ पे महिला जो महंगाई है वो भी इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देख सकते हैं, मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। क्या कहेंगी मैम जिस तरह से ये सिलेंडर एलपीजी है, महंगाई को लेकर आप लोगों की क्या सोच है? देखो मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, हरियाणा की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज हम यहाँ अपने न्याय की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने हमें लॉलीपॉप देने का काम किया, आज हम संसद का, देश की सबसे बड़ी संसद का घेराव करेंगे और ये दिखाएंगे महिला किसी से कम नहीं है। अगर सिलेंडर की मार पड़ती है तो महिला को पड़ती है, सबसे ज़्यादा महिलाएँ चाहती हैं कि 350 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए ताकि हम महिलाओं को न्याय मिल सके। महिलाओं के लिए मोदी जी उज्ज्वल योजना चला है कि ताकि महिलाओं को धुआं मुक्त किया जा सके, ये उनकी सब कहने की बात है। जो उज्ज्वल योजना उन्होंने चलाई थी लगातार, वो सिलेंडर आज कमरे में चाबी के अंदर बंद है। उन्होंने कुछ नहीं किया, महिलाओं को बहकाने का काम किया। राहुल गांधी जी ने करके दिखाया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और महिलाओं की, बुजुर्गों की और युवाओं की बात सुनी और दिखाया कि अगर कोई महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ सकती है। महिलाओं को पानी को लेकर किचन में काफी असुविधा होती, इतनी बाल्टी से भर के रखना, काफी पानी खर्च होता है किचन में, उसके लिए मोदी जी हर घर जल योजना का मुहिम चलाया और सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराया। ये सारी महिलाएं हैं, हर ब्लॉक की महिलाएं हैं, पानी घर घर योजना चलाने के लिए 10-10 दिन तक सप्लाई पानी नहीं आती, टैंकर मंगाए जाते हैं, टैंकर खलाए जाते हैं और उनमें कीड़ा तक पड़ जाते हैं और वो बीमारियां पैदा हो जाती है कि हमारे बच्चे डेंगू तक बीमार होकर और परेशानी करते हैं। ये सब मोदी जी एक झूठा बहाना है, एक लॉलीपॉप देने का बहाना है। मोदी जी की सरकार में आज तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर जितने बड़े अत्याचार हो रहे हैं वो मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं। कन्या योजना जैसी योजनाएं चलाते हैं जिसमें महिलाओं का उत्थान होता है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे? उनके कागजों में योजनाएं हैं, उनके कागजों में योजना है, रियलिटी में कोई योजना नहीं है। बस कागज में दिखाते हैं और दिखा के बस उसे अंदर रख लेते हैं, वैसे कोई योजना नहीं है उनकी, कहने की बात है। मोदी जी देश की महिलाओं के लिए तमाम मंचों से बात करते हैं, कहते हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है, महिलाओं और नारी शक्ति के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं मैं। अगर महिलाओं की लड़ाई लड़ते तो आपने देखा कि जिंदा दो महिलाओं का रेप करके जिंदा गाड़ दिया उन्हें, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ते तो लॉकडाउन करके महिलाएं आज लगातार खड़ी नहीं रहती, महिलाओं को उनके घर में महिला नहीं तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई कहाँ लड़ेंगे? जिसका घर और परिवार है वो महिला के अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, मोदी जी नहीं लड़ते। मोदी जी ने तो देश बेचने का काम किया है। मोदी जी का 140 करोड़ परिवार है, कौन कहता है? 140 करोड़ परिवार है वो राहुल गांधी जी का परिवार है, वो राजीव गांधी जी का परिवार है, वो सोनिया गांधी जी का परिवार है, मोदी जी का तो अपना खुद का परिवार नहीं है। ये परिवारवाद की लड़ाई लड़ते हैं और मोदी जी ऐसे हैं जो देश की लड़ाई लड़ते हैं। मोदी जी लड़ाई लड़ते हैं देश को बेचने की लड़ाई लड़ते हैं, मोदी जी लड़ाई लड़ते हैं महिलाओं के अत्याचार की लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी देश के हिसाब की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया, महिलाओं को लगातार आगे रखा है। आज अगर जो 33% आरक्षण की आप लोग मांग कर रहे हैं, इस देश में 60 साल कांग्रेस राज की है, क्यों नहीं आप लोग मांग की? ये राजीव गांधी जी का सपना था, इन्होंने विपक्ष में 70 साल तो सत्ता में रहे ना, हमारी बहुमत से सरकार नहीं थी, अगर सरकार होती राजीव गांधी जी का सपना राहुल गांधी जी करेंगे, आज इनकी सरकार बहुमत से है तो इन्होंने, राजीव गांधी 400 तक सीट लेकर आए थे, आपकी बहुमत से सरकार ही नहीं थी? नहीं, जो भी सम्मान मिला है आशा वर्कर थे लेके इन्होंने उसमें सारे में महिलाओं को सम्मान दिया है, और विधानसभा लोकसभा की बारी है और कांग्रेस से सम्मान को महिलाओं को देकर रहेगी। क्या कहेंगी मैम इस तरह से जो ये आप पोस्टर लेके चल रही हैं कि महंगाई जो है वो डाइन खा रही है, क्या कहेंगी? अभी तो महंगाई डाइन नहीं है, अभी तो इनकी गर्लफ्रेंड होगी, डाइन तो कांग्रेस सरकार के जमीन में गाना गाते थे, महंगाई की मार अब की मार मोदी सरकार को लगातार तीसरी मौका मिला है वहां काम करने का, क्या इन्होंने सरकार ने एक भी प्रतिशत महंगाई कम करी? किसी भी वर्ग में, किसी भी ऑप्शन बिजनेस में, किसी भी साइड में महंगाई कम नहीं हुई, दिन ब दिन। लेकिन जो मोदी के समर्थक है वो कहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस तरह से सैलरी भी बढ़ी है। सैलरी नहीं बढ़ रही, रोजगारी नहीं है तो सैलरी कहाँ है?
इतने रिक्त पद पड़े हैं, इतने रिक्त पद पड़े हैं सरकारी में, ये क्यों नहीं रोजगार दे रहे? क्योंकि वो जो पैसा बचता है इनके अपने व्यापारी दोस्तों को। 10 सालों में हुआ है तो कांग्रेस के सरकार में भी रिक्त पड़े थे। हाँ पड़ी थी, पर वो रोजगार देने का कार्य कर रहे थे, रोजगार दिए भी है। आप अब आंकड़े निकाल के देख रहे हैं, ये 10 साल में रोजगार की दर बढ़ी है, कम नहीं हुई। आरक्षण की जो आप लोग मांग कर रही हैं, आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब होता है कि हम लोगों को अपनी सहभागिता की गारंटी देना कि हम अगर आधी आबादी पूरा हक, हमारी अगर देश में आधी आबादी है तो हमें अधिकार पूरे चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है भागीदारी। भागीदारी हाँ, कांग्रेस 60 साल इस देश पर राज की है, कितनी भागीदारी सुनिश्चित की है? ये प्रश्न ही आपका गलत है। कांग्रेस सरकार में ही भागीदारी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी संघ में तो महिलाओं को तीसरे नंबर की पंक्ति में खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ से देश चलता है, आज भी वहाँ कॉलेजियम सिस्टम लागू है, आज भी वहाँ SC ST OBC के एक भी न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं, क्या कहेंगी आप? ये अब आरक्षण पहले से डिसाइड है। अब ये लोग अपने अपने जो दोस्तों के बच्चों को रिश्वत लेके मध्य प्रदेश में व्यापम का कांड आपने सुना होगा, पर पटवारी कांड सुना होगा, वो इसका जीता जाता सबूत है कि SC ST ऊपर नहीं आ पाते क्योंकि पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से। ये लोग अपने पैसे में सक्षम है तो उस चीज का भी गलत। नीट की बात करें, नीट की कांग्रेस की UPA की सरकार थी, P.C. चिदम्बरम जैसे लोग थे, तो नेट NTA जैसी संस्था लेकर आते हैं जिससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्हीं की ये सारी देन है कि आज बच्चे रोड पे भटक रहे हैं। नहीं, बच्चे रोड पे काम कर रहे थे, भटक तो अब रहे हैं 10 साल से। उनकी नीति से रोजगार मिला था, भटकाने का काम, रोजगारों का पकोड़ा तलने का काम मोदी सरकार का है। आज लोकतंत्र खतरे में है तो EBM की देन है, और EBM कांग्रेस लेकर आई थी। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, मोदी के दोस्त और मोदी सरकार खतरे में है। लेकिन आप तब तो चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र उन्होंने ही बोला हुआ है ना, क्योंकि ये लोग तो संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, अपने नया संविधान बनाने, अपनी नई शर्त लागू करने का काम कर रहे हैं। अगर इनके सांसदों की संख्या ज्यादा रहती है जो तानाशाह हो जाते हैं अपने आप। लेकिन 2024 का चुनाव तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसी को लेकर विपक्ष चुनाव लड़ा। इसीलिए लड़ा गया था कि जनता को जागरूक किया जाए कि अगर इनके जैसे तानाशाह हिटलर नीति के लोग आ गए तो सचमुच में देश का संविधान खतरे में आ जाता। इसके लिए जागरूक करेंगे आप? संविधान के आरक्षण के लिए, संविधान की वैल्यू के लिए, संविधान के नियमों के लिए। वो कौन लागू करेगा? जितना संगठन आएगा, जो सरकार बनेगी। सरकार अगर मजबूत स्थिति में थी तो वो अपना तानाशाह का काम कर रही थी। 60 साल आपकी सरकार थी, आप लागू ही नहीं कर पाए। लागू किया है सरकार, लागू कैसे कर? उसको लागू कराने के लिए आप लोग जो है सड़कों पे उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। जब NDA की सरकार थी तब कैसे लागू होता? जब मिली भगत सरकार रहती तो कैसे लागू करते हैं? UPA की सरकार में सब काम सही हुए हैं। दो बार विधायक बनी, यही कि महंगाई खाए जा रहा, पूरे देश में महंगाई गायब का रूप लिए हुए। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।